ओके दोस्तों, अगर आप सैमसंग के अपकमिंग प्रीमियम फ्लैगशिप किलर फैन एडिशन स्मार्टफोन यानी कि सैमसंग गैलेक्सी S21 FE का इंतजार कर रहे हो तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये स्मार्टफोन इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। लेकिन दोस्तों लॉन्च से पहले इस स्मार्टफोन का जो फर्स्ट लुक है वो सामने निकल के आ चुका है। साथ ही में दोस्तों अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग लीकर्स के द्वारा अलग अलग टीचर्स के द्वारा स्मार्टफोन के जो फाइनल स्पेसिफिकेशन है वो ऑनलाइन लीक हो चुके हैं। दोस्तों मैंने अलग अलग वेबसाइट पर जाकर अलग अलग टिप्सर के ट्वीट पर जाकर इन स्मार्टफोन्स के रिलेटेड जितने भी ऑनलाइन लीक हो चुके हैं स्पेसिफिकेशन, उन सभी को कलेक्ट करके इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में स्मार्टफोन से रिलेटेड जितने भी फाइनल एंड कंफर्म स्पेसिफिकेशन है उन सभी को कलेक्ट करके आपको इस वीडियो में डिटेल में बताया है। तो दोस्तों अगर आप स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड हो और अगर आप स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे हो तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो दोस्तों अगर आप स्मार्टफोन को अगर आगे की तरफ से देखोगे तो आगे की तरफ से आपको एक 6.5 इंचेस की एक बड़ी डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी और उसी डिस्प्ले में ऊपर की तरफ सेंटर में आपको एक छोटा सा पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। वहीं पे अगर आप स्मार्टफोन को अगर पीछे की तरफ से देखोगे तो पीछे की तरफ आपको सेम आपको सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज में जो 3 स्मार्टफोन लॉन्च हुए उन्हीं की तरह आपको जो है पीछे की तरफ से आपको जो कवर देखने को मिल जाएगा और उसी पीछे की तरफ आपको ऊपर की तरफ लेफ्ट कॉर्नर में रेक्टेंगुलर शेप में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है और उसी ट्रिपल कैमरा सेटअप के बाजू में आपको एक LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाएगी और नीचे आपको सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में तो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है वो 2 अलग अलग चिपसेट के साथ आएगा, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि एक ही स्मार्टफोन में आपको 2 चिपसेट देखने को मिलेंगे, बिल्कुल नहीं, बल्कि यही स्मार्टफोन अलग अलग कंट्री में अलग अलग चिपसेट के साथ जाएगा। यानी कि हम मान सकते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है यूरोपियन कंट्री में जाएगा क्वालकॉम की तरफ से आने वाले Snapdragon 888 इस फ्लैगशिप 5G ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ, और ये जो स्मार्टफोन है वो एशियन कंट्री में मेनली हमारे इंडिया में ये जो स्मार्टफोन है वो आएगा सैमसंग की तरफ से आने वाले एक फ्लैगशिप प्रोसेसर यानी कि सैमसंग एक्जोनस 2100 इस 5G ऑक्टाकोर फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ। दोस्तों ये जो प्रोसेसर है ये दोनों प्रोसेसर जो है वो 5G है, ऑक्टाकोर है और फ्लैगशिप है। अगर इन दोनों के बीच में अगर आप कंपटीशन कराओगे तो आप मतलब इन दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो नियरली सेम आएगी, दोनों में आपको कोई भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं। मतलब आप ये 100% कंफर्म के साथ कोई नहीं कह सकता कि भाई ये जो मतलब Snapdragon 888 और Exynos 2100 इसमें से बेटर कौन सा है, दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो नियरली सेम है। वहीं पे अगर थोड़ा सा मतलब क्लॉक स्पीड की बात करें तो Exynos में आपको थोड़ी सी बेटर आपको क्लॉक स्पीड देखने को थोड़ी सी ज़्यादा आपको क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाती है। मतलब दोस्तों ये तो दोनों जो चिपसेट है वो नियरली सेम है, नियरली आपको बेटर परफॉर्मेंस देते हैं, नियरली आपको फ्लैगशिप परफॉर्मेंस दोनों चिपसेट में आपको देखने को मिल जाती है। यानी कि दोस्तों स्मार्टफोन जो है वो प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पे दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में तो स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंचेस के एक FHD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। स्मार्टफोन में आपको HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों आपको तो पता होगा कि सैमसंग की तरफ से आने वाली जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले होती है वो काफी ज्यादा प्रीमियम आपको परफॉर्मेंस देती है। मतलब आप स्मार्टफोन के साथ जो आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस होगा वो काफी ज्यादा प्रीमियम, काफी ज्यादा आपको नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस आपको इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के साथ मिलने वाला है। मतलब क्योंकि स्मार्टफोन में आपको साथ में जो गेमिंग एक्सपीरियंस होगा वो काफी ज्यादा प्रीमियम होगा, क्योंकि स्मार्टफोन में आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर तो मिल ही रहा है, साथ में आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आ रही है। तो दोस्तों स्मार्टफोन के में जो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस होगा वो भी काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल आपका होने वाला है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं स्मार्टफोन में यूज होने वाले कैमरास के बारे में। तो दोस्तों स्मार्टफोन में आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। साथ में लगा हुआ है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा जिसमें इसमें भी आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और तीसरा कैमरा है 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस जिसमें आपको 3x ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाता है। और इस ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आप इस स्मार्टफोन में
4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। वहीं पे स्मार्टफोन में आपको सामने की तरफ दिया गया है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और इस सेल्फी कैमरा के साथ भी आप स्मार्टफोन में 4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन के पावर सोर्स यानी कि बैटरी के बारे में, तो स्मार्टफोन में आपको 4500mAh की बैटरी मिल जाती है। ये स्मार्टफोन जो है वो 25 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, 15 वाट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा और 5 वाट रिवर्स चार्जिंग को भी ये स्मार्टफोन सपोर्ट करने वाला है। इसमें आपको तीनों भी फीचर्स चार्जिंग से रिलेटेड मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको चार्जिंग एडाप्टर नहीं मिलता। स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको सिर्फ स्मार्टफोन सिम इजेक्टर टूल और एक USB टाइप सी केबल देखने को मिलने वाली है। स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको कोई भी चार्जिंग एडाप्टर देखने को नहीं मिलेगा, यानी आपको चार्जिंग एडाप्टर अलग से खरीदना पड़ेगा। बात करें अगर स्मार्टफोन के फीचर्स और कनेक्टिविटी के बारे में, तो ये जो स्मार्टफोन है वो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, तो ऑब्वियसली स्मार्टफोन में आपको सभी सेंसर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में स्मार्टफोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, इसलिए स्मार्टफोन में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। स्मार्टफोन में आपको स्मार्टफोन में आपको 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलता। स्मार्टफोन में जो रैम यूज की है वो होगी LPDDR4X5 की रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। ये जो स्मार्टफोन है वो जब लॉन्च होगा एंड्रॉयड 11 पे बेस होगा और UI 3.1 के साथ आएगा, लेकिन जैसे ही ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा उसके 2 या 3 महीने के बाद स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉयड 12 और UI 4 देखने को मिलने वाला है। फाइनली बात करते हैं स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस के बारे में। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है वो 4 अलग अलग कलर के साथ आएगा, जिसमें ब्लैक, ग्रे, ग्रीन और ब्लू होगा। ये जो स्मार्टफोन का वेरिएंट है वो पहला वेरिएंट आएगा 8GB रैम विथ 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, और दूसरा वेरिएंट आएगा 12GB रैम विथ 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। हो सकता है कि स्मार्टफोन में और भी कुछ आपको रैम और स्टोरेज में वेरिएंट देखने को मिल जाए, अभी तो फिलहाल ये 2 ही वेरिएंट सामने निकल के आ चुके हैं। और जो स्मार्टफोन की जो प्राइस होगी वो 50,000 से लेकर 58,000 के बीच आपको, मतलब सारे वेरिएंट जितने भी वेरिएंट आपको रैम और स्टोरेज में देखने को मिलेंगे उन सभी की जो प्राइस होगी वो 50,000 से लेकर 58,000 के बीच में ही होने वाली है। तो बस दोस्तों यही थे कुछ फाइनल स्पेसिफिकेशन जो कि सैमसंग के अपकमिंग फ्लैगशिप किलर प्रीमियम स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के बारे में सामने निकल के आए थे। आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा।